यहाँ से अस्पताल एक बार को होता है। अस्पताल जाना हो तो कितना दूर पड़ता है? नगौद है। नगौद है, अच्छा कितना किलोमीटर है नगौद? यहाँ से 8 किलोमीटर, हमारे यहाँ से 5 है। तो वहाँ पे अच्छी दवाई हो जाती है, ठीक ठाक दवा मिलता अरे है? अरे दवाई क्या होती है, तो गोलियाँ देते हैं सर। हाँ। हमें कौन सा मरज है कौन सा नहीं है, बुखार का वो धरे रहे। हाँ हाँ। तो दे दिए 2 गोली देते हैं, 2 से 3 गोली भी नहीं देते। अब अच्छा। कोई दवाई में कोई डॉक्टरी में कोई वो नहीं है। हाँ। अगर कमरे के कोई सरकारी डॉक्टर बोले क्लिनिक, तो वहाँ जब हम 500 रुपए देते हैं फीस, तब हमारी अच्छे से ट्रीटमेंट होती है। हमारे पास 500 नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट हमारी नहीं होती। तो ये बताइए, सरकार का कोई आपकी पढ़ाई लिखाई में मदद मिला सरकार से आपको? कुछ नहीं मिला। क्या कुछ भी नहीं मिला? तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं तो चलाई थी बच्चियों के लिए, उसका कोई लाभ मिला आपको? नहीं। लड़कियाँ पढ़ती तो जरूर है, लेकिन ख्वाहिश नहीं पूरी होती। ये थोड़ा और बताइए, कैसे आप कह रही हैं ख्वाहिश नहीं पूरी होती है? ख्वाहिश इसका कि जो पढ़ते हैं लड़कियों को ख्वाहिश है कि मुझे ये होना है ये होना है, फॉर्म भरे, बेचारे का रिजेक्ट हो गया फॉर्म, तो क्या करें। केंद्र में मोदी जी, केंद्र में मोदी जी से अच्छा आज तक कोई प्रधानमंत्री हमको ऐसा देखने को सुनने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा काम कर दिया, जो अभिनंदन को वहाँ से पाकिस्तान से अच्छा। समूच बिल्कुल स्वच्छ लेकर आए। तो ये प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं बना है? नहीं, अपना रहती है बिचारी, अपना गुजर चलाती है। हाँ हाँ। गांव में शौचालय वगैरह मिला कि नहीं? लोग शौचालय आप लोगों को मिला? हम मध्य प्रदेश के गजना बथाव गांव में मौजूद हैं। यह गांव मध्य प्रदेश के सतना जिला के अंतर्गत आता है। आप देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं और महिलाओं से कम बातचीत हो पाती है, तो चलिए इन महिलाओं को सोचने समझने किस तरीके से दिया जा रहा है और किस तरीके से सरकार के साथ अपना रिश्ता देखती हैं, उस विषय पर इनसे बात करते हैं। तो आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा ना? भी मिलती है, वो भी नहीं बनाए। हमारे पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है तो वो भी हमारा नहीं बना। तो ये क्या बेच रही हैं आप? चूड़ी? चूड़ी, अच्छा चूड़ी कंगन सब कुछ ये बेच करके अपना मैं गुजर चलाती हूँ। अच्छा। और 4 गांव मेरे से मेरा लगा है, इस फोटो लेना है ले लीजिएगा, खोल के रख दूँ? नहीं नहीं ठीक है। चूड़ी पर कोई गीत गा सकते हैं तो गा दीजिए। चूड़ी का गीत कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन में चूड़ी बेचने आया, अरे हारी कैसे बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ललिता ने सुनी राधा से कही, चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किस क्लास तक पढ़ी हैं आप? एमए मेरा फाइनल। एमए फाइनल है आपका? अरे वाह, कहाँ से पढ़ाई की आपने? इंदिरा कॉलेज सतना। सतना से कितना दूर जाना पड़ता है कॉलेज यहाँ से? 30 किलोमीटर लगभग। तो ये बताइए, सरकार का कोई आपकी पढ़ाई लिखाई में मदद मिला सरकार से आपको? कुछ नहीं मिला। क्या कुछ भी नहीं मिला? तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं तो चलाई थी बच्चियों के लिए, उसका कोई लाभ मिला आपको? नहीं। अच्छा चलिए। जब दे बाबू जब नहीं हाँ सरकार दे नहीं रही, पढ़त भर रही है कोई कुछ सरकार दे ही नहीं रही। आप लोग देखते हैं के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है। कुछ भी नहीं सोचते हैं? क्यों? पता नहीं, वो राम मंदिर फला मंदिर ज्यादा बनवाते हैं तो ज्यादातर राम मंदिर फला मंदिर की बात होती है, युवाओं के बारे में नहीं सोचते हैं। हाँ, कुछ नहीं। क्या सोचना चाहिए युवाओं के बारे में सरकार को? मतलब देना चाहिए योजना, मतलब जो पटवारी का फॉर्म है अभी तक रिजल्ट अटका है। अच्छा, ये बड़ी बात है, ये कह रही हैं कि राम मंदिर वगैरह नहीं बनना चाहिए। सही कह रही है, सहन बात ना हो। सही, राम मंदिर से कोई फायदा नहीं, कोई ख्वाहिश पूरी होती नहीं है। लड़कियां पढ़ती तो जरूर है उनकी, लेकिन ख्वाहिश नहीं पूरी होती। ये थोड़ा और बताइए, कैसे आप कह रही हैं ख्वाहिश नहीं पूरी होती है? ख्वाहिश इसका कि जो पढ़ते हैं लड़कियों को ख्वाहिश है कि मुझे ये होना है ये होना है, फॉर्म भरे, बेचारे का रिजेक्ट हो गया फॉर्म, तो क्या करें आप। ये बात है, ये ख्वाहिश इनकी पूरी नहीं हो पाती पढ़ाई से। 1000 मिला था भाई, बस वही फायदा है। हाँ। बोटन के लिए, वोट के लिए मिल रहा है वो। हाँ, दबारो दे के लाने साहब मिल रहा हूँ।
एक हजार न दाई, 10,000 का महीना दाई तो हम यही कही वही। अच्छा, ये बात है, बहुत बढ़िया। सब दिन दाई, ये बात आपने सही कही, सब दिन दाई 1,000 में हमारे का। देख हमारे गेहूँ सात, हम खाद महंग मिल रही है, हम कहे में अपन खेती बाड़ी करी गुजर चढ़ा। और जब हम 1,000 का मिली, हम का 1,000 ना का उधर देवे सब्जी भाजी झोर मना के चले गए। एक महीना में 1,000 मिलता पूछ जाइए, एक महीना में सब्जी भाजी कुछ नहीं पूछ। 10,000 रुपया दे तब बात बनेगा। हाँ, 10,000 का महीना दे तो हम कागू तो बैठे बैठे खाई या अपन लड़का बच्चा पाली। यानी कि वोट के लिए खाली वोट पैसा दे रहे ना। क्या आपका ये घर जो बना हुआ है कब बना था, कितना साल हो गया घर बने हुए आपको? वो गया बिचारी के पति है ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो अपना बिटिया दमान जो बनवाई नहीं है। अच्छा। अब बेसहारा तो औरत है वो। उसके कहेगा तो घर ना मिली गांव में, पता नहीं मिला है नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं मिला इसका। अच्छा, कोई औरत नहीं है बिचारी। तो प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं बनाया? नहीं, अपना रहती है बिचारी, अपना गुजर चलाती है। हाँ हाँ। गांव में शौचालय वगैरह मिला कि नहीं? लोग शौचालय आप लोगों को मिला? अम्मा शौचालय बोल रही है, लेटरिंग मिला? हाँ, लेटरिंग बोल रहे हैं। वो भी नहीं मिला। अब खेती किसानी के लिए सरकार कोनो मदद करे है कि ना? वही का खेती किसानी का 2,000 रुपया है साल भर में, 6,000 कहूँ को 12,000 मिला तो कहूँ को 6,000 मिला था। होगा 2,000 में क्या होता है, 1,500 रुपए घंटे लेते हैं ज्वाइंट वाले। और यहाँ से अस्पताल तो को होता है। अस्पताल जाना हो तो कितना दूर पड़ता है? नगौद है। नगौद है, अच्छा कितना किलोमीटर है नगौद? 5 किलोमीटर यहाँ से, यहाँ से इनके 8 किलोमीटर, हमारे यहाँ से 5 है। तो वहाँ पे अच्छी दवाई हो जाती है, ठीक ठाक दवा मिलता है? अरे दवाई क्या होती है, दो गोलियाँ देते हैं सर। हाँ। हमें कौन सा मर्ज है कौन सा नहीं है, बुखार का वो धरे रहे। हाँ हाँ। तो दे दिए, दो गोली देते हैं, दो से तीसरी गोली भी नहीं देते। अब कोई दवाई में कोई डॉक्टरी में कोई वो नहीं है। अगर कमरे के वही सरकारी डॉक्टर खोले हैं क्लिनिक, तो वहाँ जब हम 500 रुपए देते हैं फीस, तब हमारी अच्छे से ट्रीटमेंट होती है। हमारे पास 500 नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट हमारी नहीं होती। तो मोदी जी तो कहते हैं घर घर दवाई पहुँचा दी है, हर लोग को दवा मिलता रहता है। वो कहाँ है, नहीं है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री हैं तो क्या होता है, हम आम जनता है हर तरह। पानी वगैरह की व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? कहाँ पानी, को कुइया खोदाए है, को के नहीं आए तो कुइया खोदाए है, को बोर कराए है, बोरों में पानी नहीं आए, पानी की तो समस्या है। पानी की समस्या है यहाँ पे। तो कैसे पीने वाला पानी कैसे आता है आप लोग की तरफ? पीने वाला पानी आप लोगों को पीने वाला पानी कैसे आता है? यहाँ कम बना हुआ था हैंड पंप से। अच्छा, उसी हैंड पंप से पूरा गांव चलता है? एक हैंड पंप वहाँ पे दिख रहा है, उससे 4-5 परिवार सब लोग पूरा चलता है, बर्तन से लेकर के चौका। हाँ। और नहाना धोना सब आगा, तब कुआं का भारी या तो कुआं का। हाँ, अच्छा पानी वो साफ आता है। हाँ। तो आप कितने गांव घूम लेती हैं चूड़ी? अरे एक ही गांव तो घूम नहीं पाती, अब बुढ़ी हो गई। क्योंकि सबसे अच्छा आप बोल रही है। नहीं, ये मेरा, मैं दूसरी जात चड़ोर हूँ लेकिन मेरा यहाँ घर सरीखेत। ये कांग्रेस जो पार्टी है, इसको कहा जाता है कि मुसलमानों की पार्टी है, इसलिए वोट नहीं देना है, ये बात ठीक है? अब हो गया, अब क्या बताएं, मुसलमानों की पार्टी तो नहीं आना चाहिए, पर अब क्या करें मुझे। अच्छा अच्छा, मुसलमानों की पार्टी नहीं है, आइए इधर आइए। आप लोगों को भी लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस? नहीं, लोग कहते तो हैं। लोग कहते हैं तो क्या है, कहने वाले तो सब बोलते रहते हैं। कैसे लगता है कि मुसलमानों की पार्टी वो नहीं है? राम मंदिर तो वो नहीं बना रही है, लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर तो भाजपा बना रही है। राम मंदिर नहीं बन रहा तो मुसलमानों की पार्टी हो गई। अच्छा, सही बात कह रहे हैं वो। विद्यालय जरूरी है, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आपका कहना है कि राम मंदिर नहीं जरूरी है, विद्यालय जरूरी है। मंदिर जरूरी नहीं है, विद्यालय जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया। मेरा नाम लोकेश कुमार लोधी है। हाँ। सत्ता परिवर्तन बहुत अनिवार्य है। और विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि राम मंदिर। राम मंदिर बढ़िया, बच्चों का भविष्य बनाए और शिक्षा का विशेष ध्यान दें। और सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है।
ठीक है, बढ़िया। एक ही छोटा सवाल है, जैसे लोग बोलते हैं, जैसे मोदी जी, शिवराज जी, कि यहाँ बीजेपी की सरकार इतना लंबा समय से चल रही है, सब ठीक ठाक है, जी, 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 सड़क पानी तो चलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं, तो फिर आपको क्यों लगता है कि मोदी जी की सरकार अच्छी है? हम ये मानते हैं केंद्र में मोदी जी, केंद्र में मोदी जी से अच्छा आज तक कोई प्रधानमंत्री हमको ऐसा देखने को सुनने को नहीं मिला। क्यों क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा काम कर दिया जो अभिनंदन को वहाँ से पाकिस्तान से समूह बिल्कुल स्वच्छ लेकर आए। हम इस बात का बहुत हम कहेंगे कि मोदी बहुत बढ़िया है, बसते जो नीचे के नेता है वो बिल्कुल दूसरी रफ्तार। तो मोदी जी को तो आरोप लगता है कि वो राम मंदिर की पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं नहीं, मंदिर मंदिर को हम नहीं मानते, विद्यालय विद्यालय को मानते हैं, विद्यालय चाहिए ताकि बच्चे पढ़े, बच्चे आगे बढ़े। अच्छा अच्छा, तो आप बताइए, आपके यहाँ तो दुर्गा मंदिर इतनी सुंदर लग, कोई पुस्तकालय आप लोगों ने बनवाया अपने चंदे से? बिल्कुल बनाए हैं। कहाँ पे है? हमारी प्रोसेसिंग चल रही है सागर में, चल रही है सागर में, इस गांव में नहीं है, जैसे कि मूर्ति लगा हुआ है। अब यही है कि सब लोग एकत्रित हो, सबको आवाज उठाए, जैसे मैंने अभी बोला कि मंदिर जरूरी नहीं है, विद्यालय जरूरी, सब लोग इकट्ठा होंगे तब। बिल्कुल बिल्कुल। कितना दहेज तकरीबन होता है, कुछ रेट बताइए? 10 लाख 15 लाख। सरकारी नौकरों का कितना होता है? 6 लाख। 15 लाख से स्टार्टिंग है सरकारी नौकरी वाला। सरकारी नौकरी 15 लाख से, जिसकी जितनी इच्छा हो उतना देना चाहिए, अपनी लड़की को दे सकता है। एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ, और हम तो ये मानते कि जो मांगता है दहेज तो गलत है, वो गलत है। जो आपकी लड़की वाले की पिता माँ की इच्छा है वो दे सकती है, वो दे सकती है जी। तो वो माए जो अपने लड़कों के लिए दहेज मांगती हैं वो कैसी होंगी? वो ठीक है तो मांगना उनका? नहीं, वो गलत है ना जी, गलत। तो आपको अपने लड़के के लिए कभी नहीं मांगना? नहीं मांगना चाहते। ये बताइए, दहेज लेने देने में तो बहुत बातचीत होता है, लेकिन ये खत्म कैसे हुआ कि दहेज प्रथा ही खत्म हो जाए? कोई ना मांगे ना ले, रिश्ता दे रहा है, रिश्ता बना रहा है, तो दहेज की क्या बात है? ये कैसे खत्म होगा? इस तरह होना चाहिए कि दहेज अब अपने खत्म कर सके थे, नहीं तो बड़े इनके देख लें कि ये खूब बड़ा है तो अपने से दे थे मैं। हाँ। बिटिया वाले वो नहु मांगे ती भी बिटिया वाले देते, 50,000 से 4 लाख तक मनैदा देते। गरीब है तो 50,000 में करा था, बड़ा है तो 2 लाख देते। अभी तो दे चलो जाता, देखे जती है इसी अथी।